फिर से गाइज आप लोगों के लिए मॉडलर किचन लेकर के आए हैं, जो कि ये भी नया डिज़ाइन का है। वो सेम जो लगाते हैं उस तरह से नहीं है, काम सेम होता है, लेकिन ये नया डिज़ाइन का है। इधर से लेकर के और यहाँ तक बनेगा, जिसमें कि नीचे हम लोग बिल्टी ओवन लगाने वाले हैं, लेकिन बिल्टी ओवन आपको फिनिशिंग में पता चल जाएगा, दिखा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। जो देख रहे हैं यहाँ पे सामान सब रखा हुआ है फिनिशिंग करने के लिए, वो फिनिशिंग टाइम में लगता है। अब आप लोगों को कैबिनेट जोड़ करके दिखाते हैं। देखिए कैबिनेट जोड़ना स्टार्ट हो चुका है। अब कैबिनेट को बना लेते हैं एक एक करके, उसके बाद में आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए हमारा सारा कैबिनेट बनकर रेडी हो गया। तो छोटा वीडियो होगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये बनकर रेडी हो चुका, क्योंकि हम नहीं थे इस साइड पर, मेरा भाई था, वही वीडियो करके लाया है, इसलिए पूरा अच्छा से वीडियो नहीं हो पाया होगा। तो चलिए अब खूंटा लगाते हैं इसमें। ये देखिए खूंटा लगाना स्टार्ट हो चुका है। और खूंटा लगाते लगाते ही आप लोगों को इसका जो हम लोग नापी करके पेंसिल से दाग लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, वो भी आप लोगों को एक बार दिखा दे रहे हैं। तो ईंट को लगाने दीजिए खूंटा आराम से। उसके बाद में ये देखिए इधर में कलर कैबिनेट है, इसलिए खूंटा का दाग लगा हुआ है। और ये लास्ट में कसेंगे, देखिए अब हमारा कसा हुआ रेडी हो चुका। अब सिंक का स्कॉटिंग लगाने का कटिंग हो रहा है। देखिए स्कॉटिंग जो नीचे से ग्रेनाइट का लगता है, उसी का कटिंग होता है। तो अब चलिए अब एक एक करके लगाते हैं, एक कनेक्टर करते हैं पहले। देखिए कनेक्टर हो रहा है एक दूसरे में, जो कनेक्ट करते हैं कैबिनेट को रख करके। और जैसा कि हर वीडियो में देखते हैं कि आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं, पिछले वाले वीडियो में भी देखे हैं, उसी तरह से कनेक्ट करेंगे। अब इधर रखा हुआ है और बाकी इधर कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर दूसरी साइड में भी कटिंग हो रहा है स्कॉटिंग का, जो कि ग्रेनाइट का बोले लगेगा, वही नीचे की तरफ। देखिए तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार। और इसका फिनिशिंग का वीडियो जल्द लेकर के आएंगे, आप लोग को दिखाएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जबकि वीडियो डालेंगे तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। ये देखिए अब ये ब्लांड कैबिनेट है, जो कि इसमें सिलेंडर जाएगा, उसी का स्कॉटिंग का कटिंग हुआ है। अब यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया है, ब्लांट से शुरुआत होता है। और इधर में ये लग गया है। अब इसका घंटी देख करके चेक करके उसके बाद में आप लोग को पूरा एक ही बार लगा कर दिखाते हैं नीचे का। ये देखिए नीचे का सब सेट हो चुका। इधर से देखिए आप लोग, ये देखिए कितना अच्छा से सेट हो चुका है। तो सॉरी गाइज फ्रेश वीडियो नहीं आया होगा, क्योंकि मोबाइल से किया गया है तो हिलता है बहुत और फ्रेश उतना नहीं आता है। ये देखिए इधर झूले स्टैंड रखा हुआ है, जो कि हैंगिंग ब्रैकेट भी बोला जाता है, और वॉल कैबिनेट में लगाने के लिए। तो यही वॉल कैबिनेट में लगा करके आप लोग एक बार दिखा देते हैं। और इसको थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिए, ऊपर में ज़्यादा कैबिनेट नहीं है, शायद तीन ठो होगा, तीन पीस होगा ऊपर का। तो इसमें चलिए अब हैंगिंग ब्रैकेट सेट करते हैं, उसके बाद में आप लोग ये देखिए हैंगिंग ब्रैकेट सेट करके और कैबिनेट भी ऊपर सेट हो चुका है। ये पूरा अलग अलग नहीं दिखा पाए हैं गाइज, हम नहीं थे, आप लोगों को पहले ही बता दिए शुरुआत में ही, इसलिए बेचारा अकेला काम करने वाला था, तो वीडियो बनाएगा कि काम करेगा। तो चलिए यही है आज का वीडियो, बहुत छोटा बना है, तो इसका फिनिशिंग जल्द लेकर के आते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए पूरा रेडी हो चुका है, तो एक बार अच्छी तरह से साफ कर देते हैं, उसके बाद में आप लोगों को दिखाते हैं। ये सब औजार सबको रख देते हैं, मशीन वशीन क्या क्या चीज़ सब रखा हुआ है, उसके बाद में एक झलक और देख लीजिए। ये देखिए ये पूरा सेट हो चुका। अब इसका ग्रेनाइट लगाना बाकी है और उसके बाद में फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद दिखाएँगे। तो चलिए आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा आज के वीडियो, नॉर्मल ही था। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो साथ में, आज के लिए बस
इतना ही, बाय बाय।